हेलो स्टूडेंट्स, तो हम बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड बाय द मोनोसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं ईथर लिंकेज से, जिसको हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड्स डू नॉट रिएक्ट विद टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन और इसीलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। बच्चों, दो पॉलीसैकेराइड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, एक स्टार्च और एक सेलुलोज। स्टार्च बनता है 1,4 पॉलीमराइजेशन से, अल्फा डी ग्लूको पायरानोज के 1,4 पॉलीमराइजेशन से। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक अमाइलोज जो कि स्ट्रेट चेन पॉलीमर होता है, और एक अमाइलोपेक्टिन जो कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होता है, एक स्ट्रेट चेन के C1 और दूसरे स्ट्रेट चेन के C6 के बीच में ईथर लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनता है अमाइलोपेक्टिन। बच्चों, जो सेलुलोज है इट इज ऑल्सो ए पॉलीमर और मोनोसैकेराइड्स का पॉलीमर है, और लेकिन ये बनता है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज से, और इसमें भी C1 और C4 के बीच में ईथर लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। सेलुलोज ऑल्सो डू नॉट शो टॉलन फेलिंग टेस्ट और यह भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा।